हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जब घर में आप इसे बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बनाना तो इसे इजी है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और फटाफट बन भी जाती है, तो देर किस बात की। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल को गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम डाल देंगे उजला वाला तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, यानी कि इसके बिना भी बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे कलौंजी, और इन सबको अब हम चलाते हुए 30 सेकेंड तक पका लेंगे, यानी कि लहसुन का कच्चापन जाने तक पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी। पानी यहाँ पर हम एक कप ही लिए हैं, और पानी को डालने के बाद इसे हम एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। और इन सबको डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप चावल का आटा। इसे डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे चलाते हुए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। 7 से 8 मिनट में डो फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए, थोड़ी देर में ही कढ़ाही ये छोड़ने लगेगा, डो फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कढ़ाही छोड़ रहा है, यानी कि अच्छे से पक गया है। तो अब ये डो फॉर्म में बिल्कुल आ चुका है, तो गैस के फ्लेम बंद करके इसे हम नीचे उतार कर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, इसको हम एक बाउल में निकाल लिए थे, ये हल्का ठंडा हो गया है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लिए थे, आप चाहे तो इसे हाथों से मैश कर सकते हैं या मैशर से भी मैश करके डाल सकते हैं। और अब इसे हम हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि आलू बिल्कुल चावल के आटे के अंदर समा जाए और चावल के आटा आलू के अंदर समा जाए, यानी कि किसी को पता ही नहीं चले कि चावल के आटा के है या आलू के है। इस तरह से मिलाते हुए इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम हथेली में थोड़ा सा वायर लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे, यानी कि नींबू के साइज की इतना बड़ा, और इसे चकला पर रखकर इस तरह से घुमाते हुए इसका हम रोल बना लेंगे। रोल नहीं ज़्यादा मोटा रखेंगे, नहीं ज़्यादा पतला रखेंगे, इस तरह से मीडियम ही रखेंगे। और अब हम इसके बीच से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से हम सब सेम साइज के, यानी कि एक ही साइज के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे बहुत ही बनाना इजी है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। आप हाथों में वायर लगा के बनाइएगा, ताकि ये हथेली में चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से बाकी सारे हम रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में भरकर, और जब आपको खाना है तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो अभी रोल बनाए हैं उसे हम तेल में डाल देंगे। सावधानी से, जितना एक बार में आ सकता है उतना डाल लेना है। और हाँ, एक बात की आपको ध्यान रखना है कि पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है, लो या मीडियम फ्लेम पर नहीं पकाना। जैसे और कुछ हम फ्राई करते हैं तो लो या मीडियम फ्लेम पर करते हैं, लेकिन इसमें पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम जो है हाई रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा। और इसे अलटाते पलटाते दोनों साइड गोल्डन कलर होने तक, यानी कि क्रिस्पी होने तक पका लेना है। थोड़ी ही देर में इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। और इसी तरह से बाकी भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार है। इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे बड़े सब टूट पड़ेंगे। आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हुई, देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।